राजस्थान में जयपुर से 131 किमी दूरी पर स्थित अजमेर जिला का मुख्यालय है। यह नगर 7वीं सदी में अजयराज सिंह चौहान नामक राजा ने बसाया था। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में ये अन्ना सागर झील, मायो कॉलेज, नारेली जैन मंदिर, पृथ्वीराज चौहान स्मारक और ये जो बाजार का रास्ता जा रहा है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की ओर जा रहा है। और एक स्थल है जो जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, सोनी जी की नशिया। यहाँ पे जैन धर्म के अनुसार स्वर्ग की कल्पना की गई है और ये पूरा 1000 किलो सुवर्ण गोल्ड या गोल्ड से बनाया गया है ये प्रदर्शनी। इसका अलग से एक वीडियो हमारी चैनल पर थोड़े दिन में आप देख सकेंगे। अब हम जा रहे हैं अजमेर से पुष्कर की ओर, जो अजमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर और पवित्र पुष्कर झील और यहाँ का पुष्कर फेयर जो विदेशियों को बहुत ही आकर्षित करता है। ये जो हम रास्ता है जा रहे हैं पुष्कर की ओर, बीच में अजमेर और पुष्कर के बीच में पहाड़ियों के बीच एक महाराणा प्रताप स्मारक बनाया गया है जहाँ से पूरा अजमेर का नज़ारा दिखता है। अभी हम महाराणा प्रताप स्मारक पर है। ये जो ओपन टू स्काई रेस्टोरेंट है, यहाँ से सुंदर नज़ारा आपको दिखेगा ग्रीनरी के साथ पूरा अजमेर का। अभी आप देखेंगे झील भी बढ़िया दिख रहा है अभी, और ये पहाड़ियों के बीच में एक ये फूड कोर्ट भी बनाया गया है। रंग बिरंगी फ्लावर यहाँ पर है। और अभी हम जो रास्ता जा रहा है पुष्कर की ओर, हम पूरा पुष्कर का हिस्ट्री भी आपको दिखाएंगे, तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये कैमल आ गया तो समझ लो पुष्कर आ गया। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बीजी ब्लॉग प्लीज सब्सक्राइब। ये जो कैमल फेयर है 2022 का, वो 11 नवंबर 2022 को चालू हो रहा है। ये जो रास्ता है वो झील की ओर, पुष्कर झील की ओर जा रहा है। ये आप सुंदर नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पे लेदर की अच्छी आइटम सब मिलती है, आप देखो पर्स है सब कुछ। और ये लाइव यहाँ पे मूर्ति बना रहा है एक भाई जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं, आप देख रहे हो। पुष्कर का मंदिर अभी हम आपको ले चलेंगे। स्वीट लस्सी, गुलकंद लस्सी, आपको हिस्ट्री भी जानने को मिलेगी। लेकिन ब्रह्मा जी का स्थान पहले कहीं नहीं। एक बार भगवान ब्रह्मा विष्णु के पास गए, बोले मैंने सृष्टि की रचना कर दी लेकिन संसार में पूजा कोई नहीं करता, क्योंकि मेरा कोई स्थान नहीं है, तो एक स्थान मेरा भी होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कमल का पुष्प ब्रह्मा को दिया, बोले कमल जहाँ भी आपके हाथ से धरती पर गिरेगा वही आपका स्थान कहलाएगा। तो कमल का पुष्प जहाँ धरती पर गिरेगा वही आपका स्थान कहलाएगा। तो कमल का पुष्प ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से नीचे गिराया, कमल ब्रह्मांड की सात परिक्रमा करता हुआ पुष्प के बीच में गिरा। कमल गिरने से धरती पटी, सात पाताल जमीन से जल निकल कर आया, तो भगवान ब्रह्मा जी का ये ब्रह्म सरोवर कहलाया। फूल गिरने से संस्कृत में इसको पुष्प बोला जाता है, और हाथ से गिरा तो हाथ को संस्कृत में कर बोला जाता है, दोनों का संधि करने पर नाम रखा गया पुष्प। जब ये सरोवर का उत्पत्ति हुआ तो ब्रह्मा ने विचार करा कर, ये तो जमीन से निकला जल है, हर घर में जल है,
इस जल में अगर चमत्कार होगा तो इस दुनिया में आके यह नमस्कार हो, इसलिए जल का शुद्धि करूंगा, यहाँ बैठ के एक महायज्ञ करूंगा। महायज्ञ का समय ब्रह्मा जी ने 5 दिन का निकाला, कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णमासी, ये 5 दिन का मुहूर्त निकला। इसके उपलक्ष में 5 दिन का अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मेला नवम्बर में लगाया जाता है, उस दिन सारा गुजरात यहाँ मुहूर्त निकला। ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देव देवताओं को बुलाया, पत्नी को बुलाया, देवता यज्ञ में आ गए, पत्नी आने में लेट हो गई, काफी इंतजार हुआ, पत्नी नहीं आई, तब भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ करने के लिए वेद माता गायत्री से शादी करी और इसको यज्ञ में बैठा दिया। यज्ञ प्रारंभ होने के कुछ घंटे बाद ये पहली पत्नी आई, अपनी जगह प्राय मुहूर्त को देखी तो क्रोध में आके ब्रह्मा जी को श्राप दिया, कहा आपका पूरी दुनिया में एक ही मंदिर बनेगा, लेकिन गृहस्थ वाला कोई भी मंदिर में पूजा अर्चना मन्नत अगरबत्ती नहीं करेगा, कोई मूर्ति घर में नहीं रखेगा, कोई आपका त्यौहार नहीं मनाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी की मूर्ति घर में नहीं रखते हैं, ब्रह्मा जी का कभी त्यौहार नहीं। दूसरा श्राप दिया ब्राह्मण को, आप लोगों ने मेरे पति को यज्ञ करवाया, समस्त ब्राह्मणों को श्राप देती हूँ, तो पहला श्राप तो देती हूँ कि तुम्हारा हाथ सदैव नीचे रहेगा मानव के जीवन यापन का, दूसरा श्राप देती हूँ कि तुम्हारे नाम से दुनिया भयभीत रहेगी। तो कई तीर्थ पे जाते हो तो एक ही बात की भाई ब्राह्मण ब्राह्मण के चक्कर में नहीं डालनी, क्योंकि ये ब्राह्मण को श्राप मिला है, आप कहीं भी तीर्थ पे जाओ एक ही बात निकल जाता ऑलरेडी, ये इसका कारण है। तो भगवान ब्रह्मा ने पत्नी को साथ बिठा के सारा सच्चाई बताई, जब इनको मालूम पड़ा कि सेम लेट हो गई और क्रोध में आके श्राप दिया है, तब इन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि श्राप दिया तो वरदान भी दूंगी और ऐसा वरदान दूंगी जो कलयुग में याद रखा जाए। पहला वरदान मिला तो सरोवर का आपने निर्माण कराया तो जल के अंदर आपका निवास रहेगा, इसलिए जल के रूप में आपका फूल प्रसादी चढ़ेगा, जल का ही आपका सम्मान है। इसलिए ब्रह्मा जी का जो रूप है वह है धर्म से धर्म रूपेण धर्म रूपेण पुष्कर, यानी जल को ही ब्रह्मा का रूप दिया गया। दूसरा वरदान दिया गया जितने भी तीर्थ बनेंगे सब तीर्थों के गुरु कहलाएंगे। ये आप देख रहे हैं पुष्कर झील का नजारा, और एक बात हम आपको बता दें कि ये गाइड के चक्कर में पड़ने में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो मुफ्त पूजा के लिए ले जाएंगे और फिर बाद में 5,000-10,000 मांगेंगे, फिर 100 रुपया भी ले लेंगे। वैसे तो ये है हिस्ट्री है पूरा पुष्कर का, ये पुष्कर लेक का नज़ारा और एक बार आप देख सकते हैं। ब्रह्मा जी का विश्व में एकमात्र मंदिर है, उसका आप दर्शन कीजिए, ब्रह्मा जी का मंदिर है ये पुष्कर में, लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी आप ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे, देखिए मित्रों ये ब्रह्मा जी के दर्शन कर सकते हैं। हेलो हाय। पुष्कर का जो मेला होता है वो विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, यहाँ पे विलेज गेम कंपटीशन होती है और ये लोग मेले में ऊँट सवारी में ऐसे सब आनंद उठाते हैं। ये मेले की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुष्कर मेला जो 11 नवंबर 2022 से शुरू होगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।